नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला होने वाला है, और अगर आप भी इस वाले मुकाबले की मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सारे खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि फ्लॉप जाने वाला है और कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि सबसे अच्छी परफॉर्म करेंगे, और इन सारे खिलाड़ियों में से हमारे लिए बेस्ट CVC का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है, और साथ ही साथ पिच रिपोर्ट भी बताने वाला कि पिच रिपोर्ट क्या है और इस वाले पिच के ऊपर कौन से बॉलर को अच्छा खासा एडवांटेज मिलने वाला है, और इस मैच की मेगा ग्रैंड लीग की रिक्सी टीम भी बना के बताने वाला हूं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। विकेट कीपर वाले सेक्शन में आओगे तो यहां पर आपको जोस बटलर देखने को मिल जाएगी, डेवन कॉनवे देखने को मिल जाएंगे, फिर नीचे आओगे तो यहां पर ब्रिस्टो देखने को मिल जाएंगे, फिर इसके बाद साइफिट देखने को मिल जाएंगे। ये सारे खिलाड़ी आपको विकेट कीपर वाले सेक्शन में मिलते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जोस बटलर को लेके चल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जोस बटलर का रिसेंट का फॉर्म भी काफी जबरदस्त है, और रिसेंट के मैच भी अगर देखे और उनकी परफॉर्मेंस भी देखे तो भी काफी जबरदस्त परफॉर्म इन्होंने किया था। तो यहाँ पर आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर चाहो तो भाई जोस बटलर को लेके चल सकते हो, प्लेयर काफी जबरदस्त है, और साथ ही साथ आपको पता है कि कप्तानी भी कर रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है इनके ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं अपना परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त कर सकते हैं। तो इस चीज को नोटिस करके आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जोस बटलर को लेके चल सकते हो, जो कि प्लेयर काफी जबरदस्त है। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डेवन कॉनवे देखने को मिल जाएंगे, भाई न्यूजीलैंड की तरफ से काफी जबरदस्त ओपनर है और अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते ही करते हैं, और ये टिक जाते हैं तो भाई यहाँ पे 50 रन से प्लस ही रन बनाते हैं, और कई बार तो यहाँ पे 100 रन के आसपास भी बना देते हैं। तो इस चीज को भी नोटिस करके जरूर से चलना। डेवन कॉनवे भी अगर खेलते हैं तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर डेवन कॉनवे को लेके चल सकते हो, प्लेयर काफी जबरदस्त है। बाकी नीचे के जो दो खिलाड़ी है आप इनको छोड़ सकते हो, क्योंकि इनके खेलने के चांसेस वैसे कम है और ये खेलेंगे फिर भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे जो बेस्ट खिलाड़ी आपके लिए होने वाला है दोनों टीम से, वो यहाँ पे पहला आपका जोस बटलर है और दूसरा आपका डेविन कॉनवे है। आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर अपनी टीम के अंदर विकेट कीपर वाले सेक्शन में ये दो खिलाड़ी लेके चल सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस वाले मुकाबले के अंदर, जो कि आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करके देने वाले हैं। बाकी यहाँ से आपको पता चल ही चुका है कि कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है और कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, जिसको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर भी लेके चल सकते हो। ऊपर ही ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको डेविड मलान देखने को मिल जाएंगे, ग्लेन फ्लिप्स देखने को मिल जाएंगे, हैरी ब्रुक देखने को मिल जाएंगे, मार्क चैंपियन देखने को मिल जाएंगे, नीचे आओगे तो यहाँ पर जैक्स देखने को मिल जाएंगे, बुकेट देखने को मिल जाएंगे, नीचे आओगे तो फिन एलन देखने को मिल जाएंगे। ये सारे खिलाड़ी आपको बैटिंग वाले सेक्शन में मिलते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेकर चल सकते हैं, जो कि हमको काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दे सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर डेविड मलान को लेके चल सकते हो, इनका भी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त होने वाला है और कहीं ना कहीं ये भी ओपनिंग करने वाले हैं इस वाले मुकाबले के अंदर, तो आपके लिए काफी बेस्ट खिलाड़ी है, तो भाई आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको भी जरूर से लेके चल सकते हो। बाकी नीचे आओगे तो ग्लेन फ्लिप्स देखने को मिल जाएंगे न्यूजीलैंड की तरफ से, प्लेयर ये भी काफी जबरदस्त है और कई कई बार तो ये बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करते हैं, तो यहाँ पर आप भी अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर चाहो तो ग्लेन फ्लिप्स को लेके चल सकते हो, क्योंकि ग्लेन फ्लिप्स के वैसे T20 के जो रिकॉर्ड होते हैं वो काफी जबरदस्त होते हैं, इसलिए मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इनको लेके चलूंगा। बाकी अगर यहाँ पर कोई ODI सीरीज चलती और ODI मैच होता तो यहाँ पर मैं इनको ड्रॉप आउट करके ही चलता, क्योंकि ये ODI मैच के अंदर ज्यादा टिकते नहीं है और यहाँ पे जो टिकते हैं ये केवल यहाँ पे T20 के अंदर ही टिकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ग्लेन फ्लिप्स को भी लेके चलूंगा, आप भी चाहो तो लेके चल सकते हो। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जैक्स देखने को मिल जाएंगे, जैक्स को भी मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चलूंगा, क्योंकि प्लेयर ये भी काफी जबरदस्त है और रिकॉर्ड भी काफी जबरदस्त है इनके, तो यहाँ पे जैक्स अगर खेलते हैं तो भी आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जैक्स को लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे हैरी ब्रुक को भी आप चाहो तो ड्रॉप आउट करके चल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट के जितने भी मैच होते हैं उसके अंदर ये फ्लॉप ही जाते हैं, तो इसीलिए मैं इनको ड्रॉप आउट करके ही चलूंगा। बाकी मार्क चैंपियन की बात की जाए तो भाई इनको भी ड्रॉप आउट करके चल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इस वाले मुकाबले के अंदर फ्लॉप ही जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो मेन खिलाड़ी कौन सा है मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी फिन एलन की बात की जाए तो भाई ये खेलते हैं तो भाई आप इनको लेके चल सकते हो, लेकिन इनके खेलने के चांसेस कम होने की वजह से अभी मैंने इनको नहीं लिया है। बाकी यहाँ पे बेस्ट खिलाड़ी कौन सा है बैटिंग वाले सेक्शन में वो आपको पता चल ही चुका है। आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर ये तीन खिलाड़ी को लेकर चल सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे और इस वाले मुकाबले के अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी करेंगे। और यहाँ पे मैंने रिक्स कितनी ली वो आपको पता चल ही चुका है। मैंने यहाँ पे हैरी ब्रुक को ड्रॉप आउट किया है, जिसकी फॉर्म अभी फिलहाल काफी जबरदस्त भी है, लेकिन अभी मैं इस वाले मुकाबले के अंदर इनको ड्रॉप आउट करके ही चलूंगा, आप भी चाहो तो ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। और यहाँ पे मैं यूनिक प्लेयर को लेकर चलूंगा, जिसके अंदर डेविड मलान है, ग्लेन फ्लिप्स और जैक्स है। ये तीन खिलाड़ी आप भी अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चल सकते हो बैटिंग वाले सेक्शन में। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल ही चुका है। आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेकर
लेके चलना है इस वाले मुकाबले के अंदर, वो भी आपको पता चल चुका है। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। ऊपर देखोगे तो लियान लिविंगस्टन देखने को मिल जाएंगे, मिचेल सेंटनर देखने को मिल जाएंगे, मोइन अली देखने को मिल जाएंगे, डेरल मिचेल देखने को मिल जाएंगे, और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको सैम करन देखने को मिल जाएंगे, जिमी निशन नहीं खेलेंगे। फिर इसके बाद ये दो खिलाड़ी को वैसे भी आप छोड़ के चल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस वाले मुकाबले के अंदर शायद नहीं खेल पाएंगे। बाकी यहाँ पे जो ऑलराउंडर वाले सेक्शन में हमारे लिए बेस्ट खिलाड़ी कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर यहाँ पर आप लियान लिविंगस्टन को लेकर चल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है और इस वाले मुकाबले के अंदर बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करने वाले हैं, और प्लेयर भी काफी जबरदस्त है। जब भी इनकी बैटिंग आ जाती है तो भाई बैटिंग भी काफी जबरदस्त कर लेते हैं, और बॉलिंग करते हैं तो भी ये विकेटें निकाल लेते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी ग्रैंडी की टीम के अंदर यहाँ पे लियान लिविंगस्टन को लेके ही चलूंगा, आप भी चाहो तो लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे मिचेल सेंटनर की बात की जाए तो भाई सेंटनर का भी ऑप्शन काफी जबरदस्त होने वाला है, और इस वाले मुकाबले के अंदर दोनों ही करने वाले हैं बॉलिंग बैटिंग। तो गाइस कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, तो यहाँ पर हम अपनी ग्रैंडली की टीम के अंदर सेंटनर को भी लेके ही चलेंगे। बाकी मोइन अली की बात की जाए तो इस वाले मुकाबले के अंदर मैं रिक्स लेके ड्रॉप आउट ही करने वाला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पिनर है और इनकी बैटिंग जो है वो ज्यादा कुछ खास नहीं होती है, और स्पिनर को वैसे इस वाले पिच के ऊपर ज्यादा एडवांटेज मिलेगा भी नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इनको ड्रॉप आउट करके ही चलूंगा। और फिर भी मैं इनको ले सकता था, लेकिन भाई इनकी बैटिंग ज्यादा कुछ खास नहीं है, अगर बॉलिंग में अगर विकेट नहीं निकाल पाए तो भाई बैटिंग करेंगे तो भी ये जल्दी ही फ्लॉप जाने वाले हैं, तो इसीलिए मैं इनको ड्रॉप आउट करके ही चलूंगा, आप भी चाहो तो ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं डेरिल मिचेल को अपनी ग्रैंड लीग टीम के अंदर लेने वाला हूँ ऑलराउंडर वाले सेक्शन में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और इनकी भी फॉर्म काफी जबरदस्त है, पिछले रिकॉर्ड देखे वो भी काफी जबरदस्त है, और साथ ही साथ तेज गेंदबाज को ये वाला पिच सपोर्ट भी करेगा, तो इसीलिए इनकी भी बैटिंग और बॉलिंग हमको काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं अपनी ग्रैंड लीग टीम के अंदर डेरिल मिचेल को लेके ही चलूंगा। बाकी यहाँ पे श्याम करण की बात की जाए तो भाई आप अपनी ग्रैंड लीग टीम के अंदर इनको भी लेके चल सकते हो, क्योंकि ये भी तेज गेंदबाज है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी भी है, बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे, तो इसलिए मैं अपनी ग्रैंड लीग टीम के अंदर श्याम करण को भी लेके ही चलूंगा। बाकी यहाँ पे जो चार खिलाड़ी है ऑलराउंडर वाले सेक्शन में जो की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, आप अपनी ग्रैंड लीग टीम के अंदर ये चार खिलाड़ी को लेकर चल सकते हो, जो की काफी ज्यादा बेस्ट खिलाड़ी होंगे इस वाले मुकाबले के लिए। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट है वो आपको पता चल ही चुका है, आप अपनी ग्रैंड लीग टीम के अंदर यहाँ से ये खिलाड़ी लेके चल सकते हो। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि बॉलिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको टीम साउदी देखने को मिल जाएंगे, राशिद खान देखने को मिल जाएंगे, मलाना देखने को मिल जाएंगे, लोकी फर्गुसन देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद क्रिस जॉर्डन देखने को मिल जाएंगे, हेनरी देखने को मिल जाएंगे, जेम्स शॉन देखने को मिल जाएंगे, ईश शोडी देखने को मिल जाएंगे, एल वुड देखने को मिल जाएंगे, कार्से देखने को मिल जाएंगे, अटिकिशोन देखने को मिल जाएंगे, आर अहमद देखने को मिल जाएंगे। ये सारे खिलाड़ी आपको बॉलिंग वाले सेक्शन में मिलते हैं। अभी यहाँ पर आपको कौन से खिलाड़ी को अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चलना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बॉलिंग वाले सेक्शन में आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर क्रिस जॉर्डन को जरूर से लेके चलना, क्योंकि आपको पता है कि अभी रिसेंट के जो मैच गए हैं उसके अंदर काफी जबरदस्त ऑलराउंडरिंग की इन्होंने, बॉलिंग भी काफी जबरदस्त की, बैटिंग भी काफी जबरदस्त की। तो यहाँ पर आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर इस वाले मुकाबले के अंदर क्रिस जॉर्डन को लेकर चल सकते हो, जो की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एल वुड देखने को मिल जाएंगे, एल वुड अगर खेलते हैं तो भाई आप अपनी ग्रैंड की टीम के अंदर एल वुड को जरूर से लेके चलना। बाकी ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको टीम साउदी देखने को मिल जाएंगे, आप अपनी ग्रैंड की टीम के अंदर न्यूजीलैंड की तरफ से टीम साउदी को भी लेके चल सकते हो। बाकी आपकी जो ग्रैंड की टीम के अंदर जो बेस्ट बॉलर होंगे वो यहाँ पे ये दो बॉलर होने वाले हैं, आप अपनी ग्रैंड की टीम के अंदर ये दो बॉलर को लेकर चल सकते हो। बाकी हमारी पूरी टीम आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने क्रिएट की है, जिसके अंदर विकेट कीपर वाले सेक्शन में मैंने दो खिलाड़ी को लिया है, पहला हमारा जोस बटलर है और दूसरा हमारा डेविन कॉनवे है। आप अपनी ग्रैंड की टीम के अंदर ये दो प्लेयर को लेके चल सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे। बाकी यहाँ पे बैटिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो मैंने तीन खिलाड़ी को लिया है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और इस वाले मुकाबले के अंदर काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी करेंगे और काफी यूनिक प्लेयर भी है। तो आप भी चाहो तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर ये तीन खिलाड़ियों को लेकर चल सकते हो, जो की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे। बाकी यहाँ पे ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात की जाए तो मैंने लियान लिविंगस्टन को लिया है, सेंटनर को लिया है, मिचेल को लिया है और यहाँ पे श्याम करण को लिया है। बाकी यहाँ पे बॉलिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो दो खिलाड़ी को मैंने लिया है, जिसके अंदर टीम साउदी है और क्रिस जॉर्डन है। ये क्रिस जॉर्डन को भी आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जरूर से लेके चलना, प्लेयर काफी जबरदस्त है, फॉर्म काफी जबरदस्त है इनकी, तो इसीलिए मैंने अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर क्रिस जॉर्डन को लिया है। बाकी यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि कौन सा खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इस वाले मुकाबले के अंदर, वो मैंने आपको बताई दिया है। कौन से सेक्शन से आपको खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है वो भी मैंने आपको बताई दिया है। ऑल ओवर आप देख ही सकते हो हमारी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर खिलाड़ी ये होने वाला है, जो की आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सारे खिलाड़ियों में से हमारे लिए बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। तो गाइस इस वाले मुकाबले के अंदर मैं कैप्टन क्रिएट करने वाला हूँ जोस बटलर को, क्योंकि जोस बटलर की फॉर्म काफी जबरदस्त है रिसेंट की और प्लेयर भी काफी जबरदस्त है, ये चलने वाले प्लेयर है, तो इसीलिए मैंने अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जोस बटलर को कैप्टन किया है। बाकी वॉइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो आपके लिए दो ऑप्शन है, जिसके अंदर लियान लिविंगस्टन भी है, इनको भी आप वॉइस कैप्टन क्रिएट करके चल सकते हो। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको श्याम करण देखने को मिल जाएंगे, इनको
भी कैप्टन क्रिएट करके चल सकते हो। तो यहाँ पे हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम के अंदर सी और वीसी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। बाकी अगर आप एक टीम से ज्यादा टीमें बनाते हो, जैसे कि चार टीमें पांच टीमें बना रहे हो, तो भाई आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर खिलाड़ी ये रख सकते हो और सीवीसी आप अलग अलग रख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने वाइस कैप्टन बना दिया क्रिस जॉर्डन को, और कैप्टन की अगर बात की जाए तो सैम करन को भी कर सकते हो और डेविन कॉनवे को भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से भी सीवीसी क्रिएट करके चल सकते हो, और इन सारे खिलाड़ियों में से आप अलग अलग तरीके से भी सीवीसी क्रिएट करके चल सकते हो, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी ज्यादा टीमें बनाओ तो आप अलग अलग तरीके से सीवीसी क्रिएट करना। बाकी बेस्ट सीवीसी और बेस्ट खिलाड़ी कौन सा है वो मैंने आपको बताई दिया है। बाकी ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाली वीडियो आपको किस लिए की मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ड्रीम इलेवन के ऊपर टोटल कितनी टीमें बनाते हो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।